श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आंखें हमेशा सामने ही देखती हैं, इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहाँ हो वहाँ का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज़्यादा करीब होते हो। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए, यह आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़, बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल ये है, आप उसका स्वागत कैसे करते हैं? मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो ये वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते, उसकी क्षमता को खर्च करते, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं, हमें किन बातों की ज़रूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फ़ायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं, हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। ये सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहें। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे हैं। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना, फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या फिर कोई भी मनपसंद काम करना जो शायद हम किसी ज़माने में किया करते थे, या आप तभी कर सकते हैं जब खुद के लिए समय निकालेंगे। इससे न केवल आपको खुशी मिलेगी बल्कि एक सुकून भी मिलेगा। सुकून ये है कि आपने एक लंबे समय के बाद अपनी आत्मिक खुशी के लिए कुछ किया है। जब आप कुछ वक्त अकेले बिताते हैं तो आपका जहन सुकून के पलों का बखूबी इस्तेमाल करता है। शोर शराबे से दूर अकेले में बैठे रहते हैं तो आपकी सोचने समझने की ताकत को मजबूत करता है। अकेले रहना तो अच्छा है, एक बात जरूरी है और वो है सकारात्मकता। किसी नकारात्मक व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द मत भटकने दीजिए, वो आप में निराशा भर देगा। ध्यान रहे, आपका आपसे अच्छा मित्र कोई नहीं है। खुद से बात कीजिए, ईमानदारी से अपनी समीक्षा कीजिए, खुद को आईने में देखकर खुश हो जाइए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपके नज़रिए पर निर्भर करता है आप अपनी ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं। एक सूत्र याद रखिए, अकेला चलो। दुनिया में क्रांति लाने वाले महापुरुष अकेले ही चले थे। अकेलापन अपने आप में कोई समस्या नहीं है, बस बात इतनी सी है कि स्वयं को गहराई से समझने का एक शक्तिशाली माध्यम हमारे हाथ लग गया है और हम नहीं जानते कि इस शक्तिशाली माध्यम का उपयोग कैसे करें। अब सामाजिक समस्या के रूप में देखें तो अकेलापन दो तरह का हो सकता है, एक भौतिक, दूसरा भावात्मक। यदि आप इनमें से किसी भी प्रकार के अकेलेपन को संभालने की बात कर रहे हैं तो जरा रुकिए। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है, दूसरे व्यक्तियों के साथ आपका आज तक का व्यवहार कैसा रहा है?
और यदि हाँ तो भी यही समय है सोचने का। दूसरों के सर पर अपनी गलतियों का टोकरा रखने का प्रयास करने से कहीं बेहतर है कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं उठाने की हिम्मत दिखाइए। कहा जाता है अकेलापन एक वरदान है और शायद आप सबसे अलग हो। आप किसी के साथ मिलजुल नहीं सकते या आपके कोई मित्र नहीं है। शायद इन कारणों की वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आपका कोई तो अपना होगा, जैसे आपकी माँ, बहन, दोस्त, पति, पत्नी। अगर आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन की बात अपनों से कर सकते हैं। आप चाहे अपने आप को कितना भी बेसहारा महसूस कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारा परिवार, हमारे सच्चे दोस्त हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कई लोग ये नहीं जानते कि अकेलापन क्या होता है, तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा अकेलापन होता क्या है। अकेलापन एक ऐसी भावना है जिसमें लोग बहुत तीव्रता से खालीपन और एकांत का अनुभव करते हैं। अकेलापन की तुलना अक्सर खाली, अवांछित और महत्वहीन महसूस करने से की जाती है। अकेलापन का सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू ना होना। कई बार आप मन के माध्यम से ऐसी अकथनीय भावनाओं में बह जाते हैं जिनमें आप अकेलेपन और मुश्किलों को अनुभव करते हैं। अकेलेपन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्यार करना। आपको स्वयं से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता होगा, इसलिए अपनी अच्छी या बुरी चीज़ों को समझें। ज़रूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करें। आपकी ज़िंदगी और ये पल बहुत अनमोल है, इनको ऐसे मत खोइए। एक समय की बात है, एक छोटी से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था। परंतु उसके पास कोई साथी नहीं था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज़ को बुलंद किया। अपनी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गांव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं। वहां की शांति, पूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह भी पुस्तकालय में समय बिताएगा। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगा और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा। कई दिन बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान भी बढ़ता गया। वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ता बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे जिसमें उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलेपन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे। वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती? अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। सभी को अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।